Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. This is module number two two zero, and the topic of discussion is the hidden traps in decision making. फैसले के दौरान बहुत सारे उलझाओ हमारे सामने आ सकते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे आ सकते हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग को इन इनअप्रोप्रिएट इनफेक्टिव वो बना दें वी हैव टू बी केयरफुल वो कौन कौन से हिडन ट्रैप्स हैं विच कैन कम इन अवर डिसीजन इफेक्टिवनेस इस मकसद के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड के देर आर समाइम्स बैड डिसीजन वी हैव टू अंडरस्टैंड एक बेहतरीन से बेहतरीन डिसीजन भी वो गलती का शिकार वो हो सकता है उस मकसद के लिए देर आर फ्यू थिंग्स डेट वी नीड टू कम अपर्दर डिटेल फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज

और हम ये जान सकें कि वो कौन से सरकम हो सकते हैं जिसमें डिसीजन इफेक्टिवनेस के, के लिए द सेकेंड थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड के बैड डिसीजन कैन बी ट्रेस बैक वेन द आल्टरनेटिव वर नॉट क्लियरली डिफाइंड तो हम उस वक्त ही बेड डिसीजन के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे जब हमने तमाम डिसीजन मेकिंग so हमें यह भी देखना होगा कि हमने किन किन अल्टरनेटिव को पिक किया उन अल्टरनेटिव के आउटकम्स ट्रेड ऑफ एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या क्या थे बिकॉज अगर हमने अल्टरनेटिव्स को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया ट नहीं किया प्रॉपरली किया तो तब हम बैडीज कैन बी ट्रेस बैक वेन द राइट इंफॉर्मेशन वॉज नॉट कोलेक्टेड अगर इंफॉर्मेशन डेफिशंसी हो इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएट ना हो इन्फॉर्मेशन में ऐसे फिल्टर लग जाए जो फिल्टर इंफॉर्मेशन को उसकी इफेक्टिवनेस में रिड्यूस कर दें तो ऑब्वियसली उस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड आपका जो फैसला होगा वो नुकसानदेह हो सकता है वो खराब हो सकता है और बड़े से बड़ी कॉर्पोरेशन भी बैड समीजन का सामना वो कर लेती है द रीजन बींग वहां पर इंफॉर्मेशन की मैनिपुलेशन वो बहुत हद तक पॉसिबल हो जाती है द फोर्थ फिनमिना विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट द बैड डिसीजन कैन बी ट्रेस बैक वेन द कॉस्ट एंड बेनिफिट नॉट एक्यूरेटली वेड जब हम कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस ना कर पाए जब हम चीजों को एवेल्यूएट ना कर सके इन टर्मसर ऑपरचुनिटी कॉस्ट एंड ऑपरचुनिटी लॉस जब हम ये बात ना जान पाए कि हमारा फायदा किस चीज में है और नुकसान किस चीज में है तो ऑब्वियसली उस सूरत में द बैड डिसीजन इज द आउटकम बैड डिसीजन इज द रिजल्ट अब उस बैड डिसीजन की तरफ ट्रेवल करने के दौरान समटाइम्स देर कैन बी सर्टन ह्यूरिस्टिक्स ह्यूरिस्टिक्स मीन दैट देर आर सर्टन जजमेंटल शॉर्टकट्स For example, there can be stereotype, there can be hollow effect, there can be recency error, there can be projection error. There si biases, many si prejudice. We have seen that our decision making ki effectiveness will reduce. Wo kar so, heuristics, which are technically judgmental shortcuts, th what they can do is that the way the human brain can sabotage our decisions. We have seen that our decision. किस तरह से हमारे फैसलों को इफेक्ट और वो कर सकता है बिकॉज जहन में होने वाले बहुत से ख्याल हमारा कोग्नेटिव पार्ट हमारा बिलीफ सिस्टम हमारी वैल्यू सिस्टम ये तमाम तरह चीजें हमारे डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट और वो कर रही होंगी वी यूज अनकॉन्शियस रूटीन टू कोप विद्प्लेक्सिटी इनहेरेंट इन मोस्ट डिसीजन ओके okay? एंड इसी मकसद के लिए हम लोगों को माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस की तरफ वो जाना है हमें अपने साइकोडायनामिक डेवलपमेंट्स को वो विजुअलाइज करना है कि हम अपने अनकॉन्शियस माइंड प्रोसेस को वो कंट्रोल कर सकें और कॉन्शियस माइंड प्रोसेस को ट्रिगर और डेवलप वो कर सकें देर फॉर रिमेंबर दटरिस्टिक आर सेंसरी मिस बायसेज एंड इेशनल एनामोलिज इन आर थिंकिंग हमारे थिंकिंग पैटर्न को हमारे जहन के अंदर जो ह्यूरिस्टिक्स पाई जाती हैं वो इफेक्ट और इम्पेक्ट करती हैं जैसा कि हमारी सिलेक्टिव परसेप्शन लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज दैट द बेस्ट डिफेंस इज ऑलवेज अवेयरनेस फ्रॉम एनी साइकोलॉजिकल ट्रैप एंड दैट इज द सेम अवेयरनेस जिसके बारे में हम अपना इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर डिस्कशन वो करते हैं बींग अ माइंडफुल लीडर हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के परस्पेक्टिव में हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बुरुएकार लाना है हमें सेल्फ कंट्रोल सीखना है हमें एम्पति मोटिवेशन और सोशल इंटेलिजेंस का सहारा वो लेना है तभी हम अपने ह्योरिस्टिक्स को वो ओवरकम कर पाएंगे और हम सही डिसीजन वो कर सकेंगे डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो बीइंग अ लीडर इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है हर शख्स हम में से इमोशनली इंटेलिजेंट होगा लेकिन अपने आप को कॉन्शियस लेवल के ऊपर फर्दर इंटेलिजेंट बनाने की वो जरूरत है तभी हम अपने बायसेस अपने प्रेजुडिस एटीट्यूड अपने ह्यूरिस्टिक्स को ओवरकम वो कर सकेंगे थैंक यू